हे एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 11 के क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उन पर्टिकुलर आंसर्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उन क्वेश्चंस के आसपास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उन सबको भी हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे। नाउ इनसे पहले के जो डेज के वीडियोज हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली मॉडल आंसर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, आप उन्हें वहां जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज के टॉपिक समझते हैं एज टू आज का क्वेश्चन किस टॉपिक पे फ्रेम किया गया है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेटेड टू आईपीटी, दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, जो मेन हमारे तीन टॉपिक्स हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आज के हमारे दोनों क्वेश्चंस के अंदर हम धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बुद्धिज्म का जो मेन ट्रेडिशन था इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, उनको समझेंगे और इनके आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सबको प्रॉपरली डील करने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले हम आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं। उससे पहले आज का सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। The question says that Buddhist tradition and Hindu tradition of Dharmashastra of Indian political thought have outspoken differences but have similar assumptions. Examine. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो देखो जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट था उसके अंदर एक कंसेप्ट आया था धर्मशास्त्र का। धर्मशास्त्र वो हम थोड़ी देर में डील करेंगे, व्हाट इज धर्मशास्त्र। बट देखिए, जो धर्मशास्त्र आते हैं उसमें अलग अलग रिलीजन अपने अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, देखो धर्मशास्त्र को अगर आप ब्रेक करो तो धर्म प्लस शास्त्र। ठीक है, तो धर्म मीन्स व्हाट, धर्म मीन्स रिलीजन। ठीक है, एंड शास्त्र मीन्स व्हाट, अ बुक और अ टेक्स्ट जो कि रिलीजियस मैटर्स पे बात कर रहा हो, उसे शास्त्र कहते हैं। ठीक है, सो धर्मशास्त्र का ओवरऑल मीनिंग क्या हो गई, एक रिलीजियस बुक या फिर एक रिलीजियस टेक्स्ट, राइट। सो धर्मशास्त्र का बेसिक मीनिंग है कि किसी भी धर्म के ऊपर, किसी धर्म को किस तरीके से चलाना है, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से उसकी बेनिफिट्स को पहुंचाना है, उस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। सो जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर धर्मशास्त्र लिखे गए हैं। उनमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र हैं वो एक बुद्धिज्म के ऊपर लिखा गया है और एक हिंदुइज्म के ऊपर लिखा गया है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का धर्मशास्त्र है और जो हिंदू ट्रेडिशन का धर्मशास्त्र है वो ऑल्दो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं बट काफी सारे सिमिलैरिटीज भी हैं। अब ध्यान से देखो तो बोल रहा है इट हैज आउटस्पोकन डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस तो काफी है लेकिन उनके अजम्पशंस जो है वो सबके सब सिमिलर है। अजम्पशंस का मतलब क्या है, अजम्पशन का मतलब है जो उनके कोर कंसेप्ट है, जो उनकी कोर थिंकिंग है, वो सब कोर जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है, राइट। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर एग्जामिन करना है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो लिखा गया है क्या वो सच है या फिर क्या वो सच नहीं है, राइट। इसी इस चीज को हमें यहाँ पर इस डिस्कशन के अंदर आगे बढ़ाना है। तो एक चीज तो आप समझ गए यहाँ पर कि एग्जैक्टली धर्मशास्त्र होता क्या है, राइट। आप समझ गए कि एक रिलीजियस टेक्स्ट होता है जिसे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रोपगेट कराने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में उसके बेनिफिट्स को पहुंचाने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो हम समझते हैं। तो देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जहां पर दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने को बोला जाता है, ठीक है, लेकिन जो भी ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स है, देखो इनमें से एक हिंदू स्कूल ऑफ थॉट है और एक बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, तो अगर आपको पता होगा तो बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एक्चुअली एक टाइप का हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट से ही निकला है। मतलब हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट का ही एक वेरिएंट है जो हमारा बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, राइट। सो इसी बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट को अगर हम एक टाइप का जेनेसिस माने, इसका अगर हम जेनेसिस ढूंढे तो काइंड ऑफ वो हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ही मिलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो हिंदू का जो धर्मशास्त्र है या फिर जो हिंदू पॉलिटिकल थॉट है उसी का एवोल्यूशन का एक पार्ट है बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट? क्या मैं कह सकते हैं कि एक एवोल्यूशन का पार्ट है? बिकॉज देखो, हिंदुइज्म से ही बुद्धिज्म निकला और बाद में बुद्धिज्म जब वापस काइंड ऑफ यू नो डिक्लाइन हो गया तो फिर से हिंदुइज्म वापस आ गया, तो काइंड ऑफ क्या हम इसे एक एवोल्यूशन समझ सकते हैं, राइट? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो देखिए, हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो काफी सारे ऐसे पीरियड से निकला है जिसके अंदर काफी सारे एवोल्यूशन के दौर से गुजरा है वो, ठीक है। तो बहुत सारे एवोल्यूशन हुए हैं जिसके अंदर हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट भी आता है, बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है, जैनिज्म स्कूल ऑफ थॉट, बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं और हर एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अपने अपने स्क्रिप्चर्स निकालता है, अपने अपने जो रिलीजियस टेक्स्ट है यानी कि धर्मशास्त्र है वो निकालता है, राइट। तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बता सकते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो उसने काफी सारी कॉन्टिन्यूटी प्लस काफी सारे डिफरेंसेस दोनों देखे जाते हैं। बिकॉज देखो, क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसेस के बारे में ही पूछ रहा है, सो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये मेंशन करना होगा कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके अंदर बहुत सारे कॉन्टिन्यूटीज हैं, साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं।
फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जो बुद्धिज्म जो है वो एक्चुअली हिंदुइज्म से ही निकला हुआ है, यहां तक कि बुद्धिज्म को बोला जाता है कि इट इज अ रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, इट इज अ रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, मतलब कि बुद्धिज्म जो है वो हिंदुइज्म का एक चाइल्ड है, बट इट इज अ रेबल चाइल्ड, मतलब कि वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट हो गया, मतलब इट स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग दोज थिंग्स जो कि हिंदुइज्म प्रोपोगेट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो देखो जो भी इसके डिटेल्स है, बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट के डिटेल्स है, उनमें से कुछ चीजों को तो अभी हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, बाकी चीजों को आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा अपने नोट्स वगैरह से, अपने क्लासेस से। पॉइंट बीइंग, आपको एक चीज डेफिनेटली पता होगा कि जो हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट और बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर रिमार्केबल डिफरेंसेस भी हैं, राइट? इसी पर्टिकुलर डिफरेंसेस को, इन्हीं सिमिलैरिटीज को हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना है। अब हम आते हैं बॉडी पार्ट के अंदर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बॉडी आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, देखो इफ दिस इज अ पेज दैट यू हैव टू राइट योर आंसर ऑन, यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है, यहां से मान लो आपको जगह दी गई लिखने के लिए, तो आपको कोशिश करना है अपने इंट्रोडक्शन को 3 से 4 लाइनों के अंदर फिनिश करना है। ठीक है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद योर बॉडी। अब बिकॉज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है कंपैरिजन मोड के बारे में बोल रहा है, तो आप यहां पर एक हेडलाइन दे सकते हैं, आप यहां पर एक हेडिंग दे सकते हैं कि यू आर गोइंग टू राइट दैट कंपैरिजन बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, आप लिख सकते हो कंपैरिजन। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 1 करके आप पहला कंपैरिजन बताओगे, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो ट्राई कीजिएगा जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको कंपैरिजन बताया जाएगा वहां पर आप पॉइंट्स फॉर्मेट को यूज करें, राइट? पॉइंट्स फॉर्मेट को यूज करने से क्या होता है कि देखो पैरा फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप सारा का सारा डेटा एक पैरा में डाल देते हो और उस पैरा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आप अंडरलाइन कर देते हो, राइट? लेकिन जो पॉइंट्स फॉर्मेट होता है, पॉइंट्स फॉर्मेट में आप इसी पर्टिकुलर पैरा को ब्रेक करते हैं। तो जब ब्रेक करते हैं तो ये पर्टिकुलर पैरा जो कि स्टार्टिंग में काफी बल्की थी, हो सकता है कि 6 से 7 लाइनों का पैरा होगा, वो ब्रेक होकर अब 2-2 लाइनों का, 3-3 लाइनों का पैरा बन जाता है। तो उसके कारण जो भी आपके आंसर्स के इवैल्यूएटर होते हैं, मतलब जो आपके आंसर को इवैल्यूएट करते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में, उनको बहुत इजी हो जाता है आपके पॉइंट्स को समझना कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं, वो बहुत ही इजी फॉर्म में आपके मेन आइडियाज को समझ लेते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मेंस के एग्जामिनेशन में जब भी आप आंसर लिखते हैं तो हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस मतलब है छोटे से छोटे सेंटेंसेस के अंदर आप अपनी बात को कहने की कोशिश कीजिए, ताकि जो भी एग्जामिनर आपकी बातों को पढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपके आइडियाज को समझ जाए और आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे। पॉइंट इज, अगर आप लॉन्ग सेंटेंसेस लिखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है आपके आंसर को पढ़ने का वो डिक्लाइन हो जाता है, तो लोग आपके आंसर को प्रॉपरली पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो हो सकता है कि आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे हो बट वो आइडियाज उन तक पहुंचे ही नहीं, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब भी ऐसे कंपैरिजन मोड क्वेश्चंस हो, राइट, उनको कोशिश करना है कि हमेशा पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना है। स्पेशली यू नो आप एक छोटा सा सब हेडिंग दे सकते हैं कि किस तरीके के यू नो डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ, किस तरीके सिमिलैरिटीज मैं बता रहा हूँ, एंड देन यू कैन राइट दीज थिंग्स। देखो जैसे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से भी लिखना है, यू विल गेट एन आइडिया एज टू ये जो कंपैरिजन मोड के क्वेश्चंस है उसको किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर हेडिंग देंगे कि कंपैरिजन बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, आपने ऐसे हेडिंग दे दिया। अब आपको यहां पर देना है पॉइंट नंबर 1, आप बता सकते हो ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट, ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने यहां पर एक सब हेडिंग दे दी। जब आपने सब हेडिंग दे दी तो अब आप बता सकते हो कि बुद्धिज्म इसके बारे में क्या सोचता था और हिंदुइज्म इसके बारे में क्या सोचता था। तो देखो आप यहां पर सिंपली ऐसे कर सकते हो कि हेडिंग देकर सब हेडिंग दे सकते हो, उसके नीचे आप बुलेट पॉइंट्स ले सकते हो। यहां पर आप बता सकते हो कि हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता था, देखिए हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता था ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में कि जो स्टेट है वो इसलिए ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि स्टेट इसलिए आया है बिकॉज हमारी जो सोसाइटी थी, सोसाइटी के अंदर एनार्की आ गई थी। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकता मतलब कि जब सिचुएशन बहुत ज्यादा कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मतलब लोग एक दूसरे के साथ पीसफुली नहीं रह रहे थे, उस टाइम उस चीज को रोकने के लिए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया, ताकि स्टेट जो है एक लॉ एंड ऑर्डर का कंसेप्ट लेकर आ सके और पूरे के पूरे सोसाइटी में फिर से पीस क्रिएट कर सके। ये था हिंदुइज्म का स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन अगर आप बुद्धिज्म के स्कूल ऑफ थॉट को बारे में बात करोगे तो बुद्धिज्म बोलता है कि सोसाइटी के अंदर एनार्की नहीं आई थी बट किसी पर्सन, मतलब लोगों के अंदर एनार्की आ गई थी, मतलब लोगों के अंदर करप्शन आ गया था। ठीक है, सो इट वॉज नॉट द फॉल ऑफ सोसाइटी, रादर इट वॉज फॉल ऑफ मैन, इट वॉज फॉल ऑफ मैन। ठीक है, सो हिंदुइज्म क्या बोलता है, हिंदुइज्म बोलता है कि इट वॉज फॉल ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज गिर रहा था, समाज के अंदर अराजकता आई थी, उसके कारण स्टेट को फॉर्म किया गया। बट बुद्धिज्म बोलता है कि नहीं, समाज नहीं गिर रहा था, रादर इट वॉज द फॉल ऑफ मैन, राइट? लोग क्या कर रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को यू नो बिल्कुल हथिया कर बैठे हुए थे, प्रॉपर्टी किसी और के साथ शेयर करने को तैयार नहीं थे, वो मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर बहुत ज्यादा डूब गए थे, किसी और के साथ अपने जो सोशल चीजें हैं उनको उसको शेयर नहीं कर रहे थे, राइट? तो इन सब चीजों के कारण काइंड ऑफ प्रॉब्लम हुई और उसके कारण यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है,
आपको याद होगा हमने जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरीज पढ़े हुए हॉब्स के लॉक के, सेम तरीके से यहाँ पर बुद्धिज्म बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टेट को फॉर्म किया जाता है। यानी कि हिंदुइज्म बोलता है कि स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, वेयर एज बुद्धिज्म बोलता है कि स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। दिस इज क्लियर। तो ये हमने पहला पॉइंट बोल दिया कि आफ्टर ऑल दोनों ही जो थ्योरीज हैं उनके लिए स्टेट का ओरिजिनेशन का कंसेप्ट क्या है। अब देखिए सेकंड सेकंड ये बोलते हैं कि जो किंग है या फिर रूलर है उसका कंसेप्ट क्या है, मतलब किंग और रूलर के ऊपर बुद्धिज्म और हिंदुज्म की क्या क्या मतलब धारणाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुज्म क्या बोलता है। तो हिंदू स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि जो किंग होता है उसको यू नो डिवाइन राइट्स प्रेजेंट है। डिवाइन राइट्स मतलब कि ही इज बेसिकली सन ऑफ गॉड। सिंपल शब्दों में कहूं तो राजा को भगवान ने बनाया है, राजा को भगवान ने अपनी पावर्स देकर भेजा है, राजा को जो राजा है उसको भगवान ने अपनी ताकत देकर भेजा है कि आप जाओ और वहां पर सोसाइटी के अंदर रूल को क्रिएट करो, लॉ को क्रिएट करो, धर्म को क्रिएट करो। ठीक है, ये हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि ये था किंग के पीछे का मेन कंसेप्ट कि उसको डिवाइन राइट्स प्रेजेंट थे, यानी कि भगवान ने उसे खुद भेजा था। ठीक है, लेकिन अगर आप बुद्धिज्म के बारे में बात करोगे तो बुद्धिज्म इस चीज को पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है। बुद्धिज्म बोलता है कि जो किंग होता है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसे वो क्या बोलते हैं, महासम्मत। ठीक है, महासम्मत। अगर आप महासम्मत को ब्रेक करेंगे तो महा मीन्स ग्रेट, सम्मत का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। सो ग्रेट ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर डिसाइड करते हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि बुद्धिज्म उस पर्टिकुलर टाइम में काइंड ऑफ रिपब्लिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बोल रहा था, मतलब रिपब्लिक वे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जब पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसे कहते हैं रिपब्लिकनिज्म। राइट, सो बुद्धिज्म उस पर्टिकुलर टाइम में मतलब ऑलमोस्ट हमारे एंशियंट इंडियन एरा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बात कर रहा था, महासम्मत के बारे में बात कर रहा था, सिंपल वर्ड्स में जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसके बारे में बात कर रहा था। राइट, सो ये था, देखो ये हम कुछ डिफरेंसेस काइंड ऑफ डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदू स्कूल ऑफ थॉट और बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या है, दोनों के जो धर्मशास्त्र हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, थर्ड हम समझते हैं। अब देखो किंग को हमने समझ लिया, अब देखते हैं कि दोनों के क्या थॉट्स हैं ऑन ड्यूटीज ऑफ रूलर्स, मतलब जो किंग्स होंगे उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, कौन क्या बोलते हैं। तो देखो हिंदुइज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, हिंदू का मानना यह है कि किंग को वो सब करना चाहिए जो गॉड उसे करने को बोल रहा है। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो अच्छा है बुरा है आप सब कर सकते हो अगर वो स्टेट के पर्सपेक्टिव में है तो, मतलब अगर आपको स्टेट का बेनिफिट करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, राइट, ये बोला जाता है हिंदुइज्म के स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा। लेकिन बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट ऐसा नहीं बोलता। बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट जैसा हमने देखा ऊपर, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको कोई गॉड यहां पर आकर कोई भी वो नहीं दे रहे हैं, मतलब क्या करना है वो नहीं बता रहे हैं। सो इसको यहां पर खुद से चीजें डिसाइड करनी होंगी कि क्या सही है, क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग है। ठीक है, बुद्धिज्म बोलता है कि खुद से डिसाइड करनी होगी। तो बुद्धिज्म यहां पर बात करता है कि हर एक पर्सन को राइटियस मैनर में यू नो वो करना होगा, कंडक्ट करना होगा, मतलब अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट करना होगा, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होगा, लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना होगा, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए और वेलफेयर के लिए काम करना होगा। इसके लिए हर एक जो किंग होगा ही शुड बी वेरी वेरी लिबरल, ही शुड बी वेरी वेरी सेल्फलेस, ही शुड बी वेरी वेरी नोबल। राइट, अगर ये सब क्वालिटीज एक किंग के अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली राइचियस मैनर में काम करेगा, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। राइट, साथ ही साथ बुद्धिज्म ये भी बोलता है कि देखो जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि स्टेट क्यों फॉर्म हुआ था, बिकॉज करप्शन आ गया था मैन के अंदर, मतलब लोगों के अंदर, तो काइंड ऑफ क्या हम कह सकते हैं कि मॉरल डिक्लाइन हुआ था। यानी कि बुद्धिज्म कहता है कि लोगों के अंदर मॉरल डिक्लाइन हुआ था, मतलब सोसाइटी का मॉरल डिक्लाइन हुआ था, मतलब कि जो हमारे सिद्धांत है, जो हमारे प्रिंसिपल्स है उसके अंदर डिक्लाइन हुए थे। सो यहां पर बुद्धिज्म ये भी लाता है, ये भी एक कंसेप्ट लेकर आता है कि जो रूलर है उसका एक ड्यूटी ये भी है कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर मॉरल रीजनरेशन करे। मॉरल रीजनरेशन इसका मतलब क्या है, जो मोरालिटी है, जो सिद्धांत और प्रिंसिपल्स हैं उनको फिर से अपलिफ्ट करें, फिर से उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें, फिर से उसको बेटर बनाने की कोशिश करें। मतलब जो लोग अभी काइंड ऑफ यू नो इस पर्टिकुलर चीज से बाहर निकल गए हैं, जो अपने मोरालिटी को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, किंग की ड्यूटी बनती है कि उन सारे के सारे लोगों को फिर से एक बार उसी स्फीयर के अंदर वापस लाना है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो इसके अलावा हम एक और डिफरेंस जो बता सकते हैं वो ये है कि दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलते थे, मतलब किस तरीके का गवर्नमेंट यहां पर होना चाहिए। तो जैसा हमने बात की, हिंदुइज्म किस चीज के बारे में बात करता है, किंग के बारे में बात करता है, रूलर के बारे में बात करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो मोनार्की के बारे में बात करता है। मोनार्क कौन होता है, जहां पर वन पर्सन इज द किंग, वन पर्सन इज द किंग और वो जो भी चाहे वो डिसाइड कर सकता है, मतलब ही इज द लॉ, सिंपल वर्ड्स में ही इज द लॉ। ठीक है, मतलब ये लॉ क्रिएट कर सकता है, लॉ को रिजेक्ट कर सकता है, हर चीज कर सकता है। सो हिंदुइज्म ने जो एक टाइप का मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उस चीज को काइंड ऑफ सब्जुगेट किया था, उस चीज को प्रपोज किया था।
ठीक है। लेकिन अगर आप बुद्धिस्ट की बात करोगे तो जैसा हमने अभी भी बात की, वो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक फॉर्म? जैसा हमने बात किया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि जो लोग हैं वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से कोई एक पर्सन आगे जाकर किंग बन जाएगा। तो ऐसे जो किंग बनेगा वो ऑब्वियसली पीपल की वेलफेयर के लिए काम करेगा, तो जो सोसाइटी जो डिक्लाइन हो रही थी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम करेगा। बट यहाँ पर जो किंग है, ये देखो बुद्धिज्म का कहना है कि यहाँ पर जो किंग है वो तो शायद अपने खुद के विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो उसका मन करेगा वो काम करेगा, लेकिन अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा तो ऑब्वियसली वो अच्छे से काम करेगा। साथ ही साथ बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है कि देखो जब भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, पर उसके अंदर एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी देखिए ध्यान से, यही तो डेमोक्रेसी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि लोगों के पास ये पावर दी गई है कि आप आगे जाकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं, राइट? सो यही तो डेमोक्रेसी है। बट बुद्धिज्म बोलता है कि डेमोक्रेसी तो ठीक है, बट एक एक पर्टिकुलर टाइप की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी? देखो इसको हम ब्रेक करते हैं। पहले तो डेलिबरेटिव का मतलब होता है, डेलिबरेटिव जो है पहले तो डेलिबरेट वर्ड से आया, और डेलिबरेट वर्ड का मतलब होता है टॉकिंग, ठीक है? टू टॉक अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में बात करना, उसे कहते हैं डिस्कस करना है, डेलिबरेट करना है, ठीक है? अब देखो डेलिबरेट करने का मतलब है टॉकिंग, तो डेलिबरेट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि वेयर पीपल टॉक, तो कौन से पीपल टॉक करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर काइंड ऑफ टॉक करेंगे। सो हाउ विल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टॉक करेंगे? तो देखो जब भी एक पर्टिकुलर संघ होता है, संघ इज अ काइंड ऑफ मतलब अभी का आप पार्लियामेंट के साथ उसको रिजेंबल कर सकते हो। सो इट सी इट इज नॉट लाइक पार्लियामेंट, बट आप उसको रिजेंबल कर सकते हो कि इट इज अ प्लेस जहां पर बहुत सारे डिफरेंट पीपल कम टुगेदर, ठीक है? वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब कि डेलिबरेट करते हैं, और किसी लॉ को फॉर्म करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉर्म करते हैं, कोई चीज अगर सही नहीं हो रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर संघ के अंदर, राइट? कुछ गलत हो रहा है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा हो रहा होता है उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सारे के सारे डिसीजंस दे आर टेकन इन द संघ जो कि बुद्धिज्म के अंदर है, एंड दे आर टेकन बाय डेलिबरेशन, मतलब डिस्कशन, सिंपल वर्ड में डिस्कशन। जैसे हम अभी हम किस तरीके से बोलते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रूलर्स सॉरी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के बीच में एक डिबेट होना चाहिए, एक डिस्कशन होना चाहिए, राइट? ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये शो करता है कि डिबेट एंड डिस्कशन एक्चुअली काइंड ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट है। सो इंडिया को भी आप कह सकते हैं, इंडिया भी एक टाइप का डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है? जो स्टार्टिंग में बुद्धिज्म ने, जो बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था उन्होंने जो प्रपोज किया था, उसी चीज को आज ये भी काइंड ऑफ फॉलो करता है, ठीक है? फिर एक और डिफरेंस आप समझ सकते हैं जेंडर के ऊपर। तो देखो जेंडर के ऊपर क्या डिफरेंस है, तो हिंदुइज्म में आप जैसे जानते हो कि पैट्रियार्की जो थी वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। पैट्रियार्की का मीनिंग क्या होता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। मेल डोमिनेट सोसाइटी इसका मतलब क्या है कि जो मेल है दे आर कंसिडर्ड टू बी यू नो बेटर देन वुमेन, ठीक है? मेन आर कंसिडर टू बी अपर देन वुमेन, ठीक है? और मतलब मेन को ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं, मेन को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एज कंपेयर टू वुमेन। तो हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर पैट्रियार्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां पर पैट्रियार्कल जो थॉट है उसने वुमेन को सब्जुगेट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन अगर आप बुद्धिज्म की बात करोगे तो बुद्धिज्म ने सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को ठीक किया। बुद्धिज्म ने बोला कि हमारे जो संघ है मतलब एक टाइप का ऑर्डर है, मतलब कि एक प्लेस है जहां पर सब आके बातचीत कर सकते हैं, सब आके लॉज बनाने में रूल्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं, उसमें मेन प्लस वुमेन दोनों ही इक्वल होंगे। पहली चीज तो दोनों को इक्वल स्टेटस होगा, दोनों को अपनी बातें रखने का पूरा हक होगा, राइट? हर चीज में मेन और वुमेन को इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की बुद्धिज्म ने, ठीक है? सो ये थे कुछ डिफरेंसेस। आई होप आपको पांचों डिफरेंसेस क्लियर हो गए। हमने अलग अलग जो कंसेप्ट थे उसमें बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट यानी कि बुद्धिस्ट धर्मशास्त्र और जो हिंदुइज्म का धर्म शास्त्र है दोनों के बीच में काइंड ऑफ डिफरेंसेस को हमने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की। हमने बताने की कोशिश की कि कौन कौन से जगहों पर कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं। देखिए मोर देन कंटेंट, देखो जो भी ये कंटेंट हमने डिस्कस किया वो तो आप ओवर द टाइम जैसे जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कैसे करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जस्ट सपोज दिस इज द क्वेश्चन, जस्ट सपोज दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? अब जो अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले विल गिव इंट्रोडक्शन ऑफ 3 to 4 लाइंस, ठीक है? फिर बॉडी के अंदर यू विल गिव द हेडिंग कि आई एम गोइंग टू गिव अ कंपैरिजन ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट थॉट, ठीक है? उसके बाद विल गिव पॉइंट नंबर वन, यू विल गेट द अपना हमारा जो सब हेडिंग है वो बताएंगे, उसके बाद आप बुद्धिज्म का बताओगे, हिंदुज्म का बताओगे, फिर सिमिलरली ऑन रिलीजन बुद्धिज्म हिंदुज्म। इस तरीके से अगर आप करोगे तो सी आप जैसा देख सकते हैं जो भी इवेल्युएटर आपके आंसर कॉपी को चेक कर रहा है उसको बहुत ही इजीली पता चल रहा है कि स्टेट के ऊपर बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट का ये है, हिंदुइज्म का ये है, बुद्धिज्म का ये है, हिंदुइज्म का ये है, तो ही कैन इजीली मेक आउट कि आपको क्या चीजें पता है क्या चीजें नहीं पता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो अच्छे मार्क्स दे सकते हैं।
राइट. सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि डिफरेंसेस तो हैं साथ में सिमिलैरिटीज भी हैं. आई होप आपको याद होगा जहां पर बोला जाता है कि जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट और जो हिंदू पॉलिटिकल थॉट है दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज भी हैं. तो हमने डिफरेंसेस तो सारी की सारी प्रॉपरली डिस्कस कर ली. अब हम कुछ सिमिलैरिटी डिस्कस करते हैं. तो वंस अगेन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक हेडिंग देनी है, सिमिलैरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट, और आप अपना फिर से अपना पहला पॉइंट दोगे. ठीक है. अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि किस चीज के बारे में सिमिलैरिटी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ राइचियसनेस है, राइचियसनेस मतलब कि आपको सही काम करना चाहिए, वो बुद्धिज्म में भी है और हिंदुइज्म में भी. किस तरीके से, देखो बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है कि एक धम्म का कंसेप्ट होना चाहिए. धम्म, धम्म का मतलब क्या है, द ड्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. हिंदुइज्म क्या बोलता है, हिंदुइज्म बोलता है कि धर्म का कंसेप्ट होना चाहिए. धर्म का मतलब क्या है, राइचियसनेस या फिर मॉरल राइचियसनेस, राइट, मोरालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. सो देखो, बुद्धिज्म भी इसी चीज के बारे में बात कर रहा है, धर्म के बारे में बात कर रहा है, मतलब हर एक पर्सन के पास अपनी खुद की कुछ ड्यूटीज है. अगर हम उस पर्टिकुलर ड्यूटी को प्रॉपरली फुलफिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कहीं ना कहीं अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं. हिंदुज्म भी अपने धर्म के बारे में यही चीज बोलता है. हिंदुज्म बोलता है कि you know, अगर हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी सोसाइटी है वो बेनिफिट में रहेगी, मतलब हमारी सोसाइटी एक पीसफुल उसमें रहेगी, नेचर में रहेगी, राइट. सो राइचियसनेस में जैसा आप देख सकते हो कि दोनों के इक्वल थॉट्स हैं. सेकंड, आप ये देख सकते हो कि दोनों जो है कर्म पे बिलीव करते हैं. दोनों कहते हैं कि इट इज अ कर्म प्रधान देश. कर्म प्रधान देश का मतलब है कि आप जो कुछ भी करोगे, एज सो यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जैसा बोगे वैसा पाओगे, सिंपल वर्ड्स में. हिंदुइज्म का भी यही मानना है, बुद्धिज्म का भी यही मानना है. सो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म यही बोलते हैं कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे कर्म के जो भी फल हैं, जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, वो सिर्फ इसी जन्म में नहीं मिलेंगे, रादर नेक्स्ट जन्म में भी मिलेंगे. तो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों का ये चीज मानना है. दोनों इस चीज में बिलीव करते हैं कि जो हमारा किंग होना चाहिए, जो किंग होना चाहिए, फिर जो रूलर होना चाहिए, ही शुड बी ए नॉलेजेबल पर्सन, राइट. हिंदुइज्म भी इस चीज के बारे में बात करता है. हिंदुइज्म क्या बोलता है कि गॉड ने उसे खुद बनाया है तो उसके पास हर चीज का नॉलेज है. और बुद्धिज्म क्या बोलता है कि ऑब्वियसली उसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसे वो चूज कर रहे हैं, तो उसके पास उतना नॉलेज होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंट्री को, उस पर्टिकुलर सोसाइटी को सारी प्रॉब्लम से निकाल सके, सारे के सारे जो भी चीजें हैं उनको प्रोवाइड कर सके, राइट. तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं. इसके अलावा आप और भी सिमिलैरिटीज बता सकते हैं कि देखो, जो दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट और हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट, वो गुड के बारे में बात करते हैं, वो अच्छाई के बारे में बात करते हैं, वो बुराई के बारे में बात करते हैं, गुड के बारे में बात करते हैं, बैड के बारे में बात करते हैं, वो जस्टिस को किस तरीके से मेंटेन करना है, इस तरीके इसके बारे में बात करते हैं. साथ ही साथ वो ये भी बात करते हैं कि जैसे मान लो अगर ये एक कंट्री ए है तो उसके आसपास में मान लो ये कंट्री बी एंड कंट्री सी है, तो किस तरीके से हमें अच्छे रिलेशन रखने चाहिए बाकी कंट्री के साथ, वो इसके बारे में बात करते हैं. तो इसके बारे में हिंदुइज्म भी बात करता है, इसके बारे में बुद्धिज्म भी बात करता है, राइट. साथ ही साथ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों ही बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में. स्पिरिचुअलिटी दोनों ही ये बोलते हैं कि पर्सन को सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, रदर स्पिरिचुअल चीजों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, राइट. तो इसके बारे में भी दोनों बात करते हैं, राइट. इसके अलावा हिंदुइज्म और बुद्धिज्म ये भी बात करते हैं दोनों साथ में मिलकर के कि किस तरीके से स्टेट का एक इंपॉर्टेंट रोल है लोगों के वेलफेयर के अंदर, राइट. लोगों को एक अपलिफ्ट करने के लिए, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन, पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, राइट. इसलिए काइंड ऑफ दोनों ही इसके बारे में भी बात करते हैं कि जो किंग या फिर रूलर है उसको अपनी खुद की कंडक्ट जो है, कंडक्ट मतलब किस तरीके से वो लोगों के सामने आता है, उसको बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए, राइट. दोनों ही ये बोलते हैं कि किंग को अपने पब्लिक से पब्लिक एक्शन और प्राइवेट एक्शन दोनों के अंदर ही मॉरल रहना पड़ेगा, दोनों के अंदर ही मतलब अच्छे तरीके से अच्छे डीड्स करने होंगे, राइट. ओनली देन एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर कंट्री, ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल सही से काम कर सकती हैं, राइट. क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या ईवल है, राइट. इन सब चीजों के बारे में हिंदुइज्म बुद्धिज्म दोनों ही बात करते हैं, राइट. तो ये कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज थी जिसके अंदर दोनों ही इक्वली बात करते हैं. सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट का हमसे पूछा गया था, तो वी वर आस्क्ड कि एग्जैक्टली दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है. तो सबसे पहले हमने डिफरेंसेस यहां पर क्लियर किए, फिर हमने सिमिलैरिटीज क्लियर की, और तब हम फाइनली बता सकते हैं कि देखो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इसलिए हैं बिकॉज हम ऐसा मान सकते हैं कि बुद्धिज्म काइंड ऑफ एक एवोल्यूशन का पार्ट है हिंदुइज्म के, राइट. सो अगर एवोल्यूशन का पार्ट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो हिंदुइज्म से रिलेटेड होंगे, हिंदुइज्म से मिलते जुलते होंगे, इसलिए वो सिमिलैरिटीज आ रही हैं. और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं होंगी बिकॉज बुद्धिज्म एक नई डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए वो डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट. बट साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हो कि देखो बुद्धिज्म हिंदुइज्म से अलग तो हुआ, बुद्धिज्म ने अपने खुद का एक स्कूल ऑफ थॉट बनाने की कोशिश तो की, लेकिन बुद्धिज्म और हिंदुइज्म इतने ज्यादा सिमिलर थे
इतने ज्यादा ना कोर कॉन्सेप्ट्स में इतने सिमिलर थे, जस्टिस में, लिबर्टी में, इक्वालिटी में, इस हर चीज में दोनों ही इक्वल काइंड ऑफ यू नो थॉट्स रखते थे. कि बुद्धिज्म का जो अपलिफ्टमेंट था, मतलब जब बुद्धिज्म आया उसके कारण हिंदुइज्म का डिक्लाइन नहीं हुआ. हिंदुइज्म का काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, रिफॉर्मेशन नहीं हुआ. देखो ऐसा नहीं हुआ कि बुद्धिज्म आया तो हिंदुइज्म खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. दोनों ने पैरेलली एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, दोनों ने एक साथ मिलकर के दोनों ने हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में हेल्प की, राइट. तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हो, जहां पर आप एक पॉजिटिव सेंस में बता सकते हो कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी कुछ है. वो इसलिए है बिकॉज दोनों के बीच में एवोल्यूशन हो रहा है. लेकिन हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर, हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने में, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे मॉरल वैल्यूज, हमारे वैल्यू सिस्टम, इन सब को समझने में जितना इंपॉर्टेंस हिंदुइज्म स्कूल ऑफ थॉट का है उतना ही इंपॉर्टेंस बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट का भी है, ठीक है. सो आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ गए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली किस तरीके से इस पर्टिकुलर हमें आंसर को अप्रोच करना था, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था. आई होप आपको ये सारा चीजें क्लियर है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेकंड क्वेश्चन. हमारा सेकंड क्वेश्चन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. द क्वेश्चन सेज दैट कमेंट ऑन द ड्रॉबैक्स ऑफ धर्मशास्त्र टेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो. देखो इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. द क्वेश्चन सेज कि हमें ड्रॉबैक्स बताने हैं किस चीज के, क्या हमें धर्मशास्त्र के ड्रॉबैक्स बताने हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. देखो ध्यान से देखो, द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ धर्मशास्त्र, रादर इट इज आस्किंग कि धर्मशास्त्र के ड्रॉबैक्स बताने हैं कि धर्मशास्त्र एज अ सोर्स क्यों ठीक नहीं है, राइट. फिर समझिए, धर्मशास्त्र को हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था. धर्मशास्त्र क्या होता है? रिलीजियस राइटियसनेस को प्रपोज करने वाला टेक्स्ट या फिर बुक. मतलब कि क्यों हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, इस चीज को प्रपोज करने वाला एक किताब, राइट. तो क्या इस चीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है? क्या इसके ड्रॉबैक्स हमें बताने हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हमें बताने हैं कि क्यों आफ्टर ऑल हमें धर्मशास्त्र को एज अ सोर्स हमें रेफर नहीं करना चाहिए. अच्छा, सोर्स का मतलब क्या है? देखो जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलते आ रहे हैं, राइट, फ्रॉम द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड, राइट. सो वैदिक पीरियड के उस पर्टिकुलर टाइम में हमारी स्कूल ऑफ थॉट क्या हुआ करती थी, राइट. हमारा सोसाइटी किस पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता था, हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स थे वो किस तरीके के थे, इन सब चीजों को समझने के लिए एकमात्र सोर्स क्या है? बुक्स ही तो है, राइट. बुक्स के थ्रू हम सब चीजें समझ सकते हैं. तो बुक्स में हमें बहुत सारी बुक्स मिली है, जिसमें हमें वेदास मिले हैं, हमें उपनिषद मिले हैं, हमें अरण्यकास मिले हैं, राइट, हमें पुराणास मिले हैं, साथ ही साथ हमें धर्मशास्त्र मिले हैं, राइट. तो देखो माना जाता है कि धर्मशास्त्र जो है इसके अंदर बहुत सारे, इट वॉज अ कंपाइलेशन ऑफ मैनी बुक्स, ठीक है. सो धर्मशास्त्र के अंदर बुक था जैसे कि बहुत सारी स्मृति थी, जैसे आपको पता है कि मनुस्मृति, राइट. फिर ऐसे आप जान सकते हैं बहुत सारी अलग अलग लॉ बुक्स थी जो कि रिलीजन को किस तरीके से रहना है, सोसाइटी में किस तरीके के प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ये सब बताते थे. सो दीज आर कंबाइंड टू फॉर्म धर्मशास्त्र, ठीक है. सो हमें बताना है कि आफ्टर ऑल क्यों जो धर्मशास्त्र है वो एज अ सोर्स सही नहीं है. हमें एज अ सोर्स जब भी हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट को अपने एंशियंट टाइम्स में समझना हो तो उसके लिए हमें धर्मशास्त्र को यूज नहीं करना चाहिए, या फिर यूज करने से बचना चाहिए, या फिर कम से कम यूज करना चाहिए. ऐसा क्यों है? तो ठीक है, तो इसी चीज को हमें यहाँ पर समझना है, हमें इसी चीज को यहाँ पर डिस्कस करना है कि एस टू ऐसा क्यों जो ऑथर है कह रहे हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा क्यों कह रहा है कि आफ्टर ऑल धर्मशास्त्र को हमें एज अ सोर्स यूज नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको समझना है कि जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो दो मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है. एक तो है धर्म, एक है दंड, ठीक है. धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस, मतलब क्या सही क्या गलत, ये समझना. दंड का मतलब होता है पनिशमेंट, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो, ठीक है. सो धर्म को प्रपोज करने के लिए, देखो धर्म और दंड जो है दो मेन चीजें हैं, इसमें धर्म को प्रपोज करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर धर्म शास्त्र का कंसेप्ट आता है. जैसा हमने बात की, धर्म मीन्स रिलीजन, शास्त्र मीन्स बुक, यानी कि एक ऐसे बुक जो कि रिलीजन को प्रमोट कर रही है, रिलीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, राइट. जो धर्म है उसको काइंड ऑफ बढ़ाने की, स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है, इंडिविजुअल की स्फेयर में भी, सोसाइटल स्फेयर में भी, और नेशनल स्फेयर में भी. हर पर्टिकुलर जगह पर लोगों का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, लोगों के मॉरल प्रिंसिपल्स किस तरीके के होना चाहिए, ये सब चीजें बताने की कोशिश कर रहा है हमारा जो धर्मशास्त्र है. अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आफ्टर ऑल धर्मशास्त्र की ऐसी क्या ड्रॉबैक है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हमें इसको सोर्स ऑफ एज अ सोर्स यूज नहीं करना चाहिए. तो देखो धर्मशास्त्र या फिर ऐसी कोई भी बुक्स जो है वो स्टार्टिंग के टाइम में जब वैदिक पीरियड था उस टाइम में वो ओरली, मतलब ओरली ट्रांसमिट होती थी. ओरली का मतलब है जैसे एक टीचर है, ठीक है, टीचर को चीजें पता है, राइट. उनको जब चीजें पता है तो वो क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को बोल के बताते थे, राइट. बोल के मतलब दे यूज टू स्पीक. जब वो बोलते थे तो जो उनके स्टूडेंट्स थे वो सुनते थे, ठीक है. अब देखो जैसे मान ली जो भी स्टूडेंट्स हैं इन लोगों ने सुना, अब ये स्टूडेंट्स जो है आगे जाकर ये लोग टीचर बनते हैं, ये लोग बोल के आगे बताते थे अपने अपने स्टूडेंट्स को, राइट. तो
तो इस तरीके से जो हमारा मतलब धर्मशास्त्र था या फिर जो रिलीजियस टेक्स्ट था, इस तरीके से पहले स्प्रेड होता था। मतलब कि हमारे पास कोई रिटर्न फॉर्म ऑफ धर्मशास्त्र सारे के सारे प्रेजेंट नहीं है, राइट। हमारे पास सारे के सारे जो धर्मशास्त्र हैं वो रिटर्न फॉर्मेट में प्रेजेंट ही नहीं है। तो देखो, हमारे पास सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये आती है कि हमारे पास चीजें हैं तो, लेकिन जब वैदिक पीरियड फिनिश होता है तो पोस्ट वैदिक पीरियड आता है। पोस्ट वैदिक पीरियड में कुछ धर्मशास्त्र लिखे जाते हैं, राइट, लेकिन वो भी अलग अलग फॉर्म्स में था। धर्मशास्त्र सारा का सारा एक जगह पर कंपाइल्ड नहीं था, राइट। तो देखो, जो सबसे पहला कंपाइलेशन आता है धर्मशास्त्र का, मतलब एक ऐसी जगह पर जहां पर सारे के सारे धर्मशास्त्र को कंपाइल करके एक सिंगल बुक बनाया गया, वो था 1930 के अंदर। कैन यू इमेजिन दिस पर्टिकुलर थिंग? धर्मशास्त्र को फाइनली कंपाइल करके एक सिंगल फॉर्म में बनाने का जो टाइम पीरियड है, दैट इज 1930 से लेकर 1960s तक चलता है। तो देखो, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज पांडुरंग वामन काने। इनको बाद में भारत रत्न दिया गया था, तो इनका पूरा नाम है भारत रत्न पांडुरंग वामन काने। इन्होंने एक्चुअली सारे के सारे जितने भी धर्मशास्त्र थे उनको कंपाइल करके एक जगह पर लिखा था, ठीक है। और देखो, जो पहला धर्मशास्त्र था उसको 1930 के अंदर, और जो लास्ट था वो 1962 के अंदर लिखा गया था, ठीक है। टोटल कितने धर्मशास्त्र के वॉल्यूम्स लिखे गए यहाँ पर? 5 वॉल्यूम्स। 5 वॉल्यूम्स के अंदर ये सारे के सारे पांडुरंग वामन काने ने ये सारे के सारे जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो भी सोशल लाइफ का उस पर्टिकुलर टाइम था, उनको 5 डिफरेंट वॉल्यूम्स के अंदर लिखा था 1930 से लेकर के 1962 के बीच में, ठीक है। तो देखो, जब आप ये समझ गए तो आप एक चीज और समझो, 1930s और 1962 के बीच का जो टाइम है, कौन सा टाइम चल रहा है? ये काइंड ऑफ वो टाइम चल रहा है जब इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, राइट। स्पेशली जो जब ये धर्मशास्त्र लिखे जाने स्टार्ट हुए थे, सो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट का टाइम चल रहा था। सो जब नेशनलिस्ट मूवमेंट का टाइम चल रहा था, तो काइंड ऑफ जितने भी स्कॉलर्स थे उनका मेन फोकस क्या था? उनका मेन फोकस था कि इंडिया की लॉस्ट ग्लोरी को रिवाइव करना है, राइट। सो रिवाइव करने के लिए वो लोग इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बता रहे थे कि एज टू हमारा पास्ट कुछ इस तरीके से था, हमारे एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में इस तरीके के वैल्यू सिस्टम्स थे, इस तरीके के मॉरल प्रिंसिपल्स थे, तो हमें फिर से उन्हीं मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, राइट। अब देखो, एक तरफ तो हमारा था कि हमें रिवाइव करना है हमारी लॉस्ट ग्लोरी को, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंपीरियलिस्टिक जो आइडियोलॉजीज थी, इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज का मतलब है जो कि ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी थी, उनको काउंटर करने के लिए भी तो ये पर्टिकुलर चीजें लिखी जा रही थी ना, राइट। देखो, जो हम अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे वो सिर्फ नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए नहीं थी, साथ ही साथ जो वेस्टर्न जो मॉडल था उसको काइंड ऑफ डिक्लाइन करने के लिए भी था। जो वेस्टर्न हेजेमनी क्रिएट हो गई थी, वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल हेजेमनी जो क्रिएट हो गई थी, उसको रोकने के लिए भी था, राइट। सो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। सो देखो, सेम चीज यहां पर भी होती है कि जो हमारा धर्मशास्त्र जो 1930s के आसपास में लिखा जाता है, उसमें इंडिया की लॉस्ट ग्लोरी को रिवाइव करने की कोशिश तो की गई, दैट इज टोटली करेक्ट, बट साथ ही साथ वेस्टर्न जो कंसेप्ट है उसको डिक्लाइन करने के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी गई। मतलब कि आज के टाइम में अगर हम धर्मशास्त्र को एज अ कोड ऑफ एथिक्स की तरफ लेके चलें, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक, वेरी वेरी गुड बुक, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज लिखी गई है कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए, डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ यू नो सोसाइटी है उनको किस तरीके से अपने अपनी लाइफ को जीना चाहिए, ये सब चीजें लिखी गई हैं। बट एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, एज अ सोर्स जिसके थ्रू हम अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझ सके, उस पर्टिकुलर सेंस में ये बुक उतने ज्यादा काम की नहीं होगी, ये जो टेक्स्ट है उतने ज्यादा काम के नहीं है, बिकॉज दीज वर रिटन मच लेटर पार्ट, बहुत बाद में ये चीजें लिखी गई थी, राइट। सो देखो, इस पर्टिकुलर चीज को, धर्मशास्त्र को, आप काइंड ऑफ एक रिवाइवलिस्ट बुक कह सकते हो, रिवाइवलिस्ट, जहां पर इंडियन की, इंडिया की लॉस्ट ग्लोरी को काइंड ऑफ यू नो रिवाइव करने की कोशिश की गई थी, राइट। किस तरीके से इंडिया की लॉस्ट ग्लोरी थी, इस चीज के बारे में बताई गई थी, राइट। सो इसी चीज को हमें एज अ सोर्स क्यों यूज नहीं करना चाहिए धर्मशास्त्र को, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। तो इसका जो सबसे मेन प्रिंसिपल है वो तो हम समझ गए, राइट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये भी हम समझ गए। अब देखो, हम यहाँ पर कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं कि आफ्टर ऑल ऐसे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या फिर ऐसे क्या क्या चीजें हैं हमारे धर्मशास्त्र के अंदर जिसके कारण हमें इसको एज अ सोर्स यूज नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले चीज तो धर्मशास्त्र के अंदर ये बताया हुआ, देखो धर्मशास्त्र जो है काइंड ऑफ हिंदुइज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो उन्होंने मुस्लिम्स को एलिनेट कर दिया है, मुस्लिम को उन्होंने काइंड ऑफ साइड छोड़ दिया है। सो क्या हम इस चीज को अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट से कनेक्ट कर सकते हैं? सोचिए, जो हमारा वैदिक पीरियड था, तो क्या उस टाइम में हिंदुज्म या मुस्लिम का कोई भी कंसेप्ट था? क्या उस टाइम कोई कंसेप्ट था कि हिंदू अलग है इस्लाम अलग है? आफ्टर ऑल उस टाइम तो इस्लाम था ही नहीं, इस्लाम तो बहुत बाद में 7th सेंचुरी 6th सेंचुरी के आसपास में आता है, राइट। सो देखो, हम अगर धर्मशास्त्र को फॉलो करेंगे और उसके थ्रू अपने वैदिक सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारी सबसे बड़ी गलती तो ये होगी कि हम मुस्लिम की पूरी कम्युनिटी को वहां पर साइड छोड़ दे रहे हैं, एलिनेट कर दे रहे हैं, बिकॉज हर चीज वहां पर हिंदुज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है,
पहली चीज तो इसलिए हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए धर्मशास्त्र का डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली उस पर बिलीव नहीं कर सकते, राइट right? उसके अंदर हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सेकंड चीज जो बात करता है धर्मशास्त्र, वो कास्ट सिस्टम के बारे में बात करता है, जहां पर वो लगातार ही डिफेंड करता है, वो डिफेंड करता है, वो कहता है कि जो अपर टू कास्ट है यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वो बेटर है एज कंपेयर टू जो लोअर टू कास्ट है, राइट right? तो वंस अगेन देखो ये कास्ट सिस्टम को फिर से काइंड ऑफ ये वो कर रहा है, डिफेंड कर रहा है कि बता रहा है कि हाँ ये चीजें बिल्कुल सही हो रही हैं, राइट right? तो इस चीज के लिए भी हम काइंड ऑफ इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप अर्लीस्ट वैदिक पीरियड देखोगे तो उस टाइम में कास्ट सिस्टम इतना प्रोमिनेंट नहीं था, उस टाइम में वर्ण सिस्टम हुआ करता था, राइट right? तो कास्ट सिस्टम का डिविजन इतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब हमारी सोसाइटी इक्वल सोसाइटी भी थी, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे यहाँ पर हमेशा लोअर क्लास का ऑपरेशन ही हुआ है। देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग टाइम के हमारे पास स्टेजेस आते हैं, कोई कुछ स्टेजेस ऐसे थे जो कि कास्ट सिस्टम के लिए बहुत खराब थे, बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन सिर्फ उन सिस्टम्स के कारण, सिर्फ उन पर्टिकुलर फेजेस के कारण हम अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री को ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी की पूरी हिस्ट्री जो थी उसके अंदर लोअर क्लास के लोगों का ऑपरेशन हुआ है, जो लोअर क्लास के लोग था उनका सब्जुगेशन हुआ है, ऐसा बोलना काइंड ऑफ हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए बहुत ही गलत होगा, राइट right? इसीलिए भी हमें डायरेक्टली आंख बंद करके जो भी धर्मशास्त्रज हैं उनको डायरेक्टली हमें एज अ सोर्स यूज नहीं करना चाहिए, एज अ सोर्स हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, राइट right? थर्ड चीज देखो एक चीज हमें यह समझनी है कि धर्मशास्त्रज ने रेपिटेडली सेकुलरिज्म के बारे में बात की, मतलब उन्होंने बोला कि आफ्टरऑल किस तरीके से इंडियन जो हमारा सोसाइटी था वो एक सेकुलर कैरेक्टर का सोसाइटी था, मतलब हर एक पर्सन जो था वो एक सिंगल धर्म को फॉलो किया करता था, राइट right? और देखो तो जैसा हमने ऊपर बात की तो उसने तो मुस्लिम्स को एलिनेट कर दिया था, बट अगर आप अभी प्रेजेंट डे इंडिया की बात करेंगे तो प्रेजेंट डे इंडिया में या फिर प्रेजेंट डे इंडिया को छोड़े भी अगर हम मिडिवल इंडिया की भी बात करें तब भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंडिया का कल्चर था वो ये था कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी थी, राइट right? भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यहां पर रहा करते थे। सो आफ्टर ऑल देखो धर्मशास्त्र का सेकुलरिज्म पे फोकस करना दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू प्रपोज कि हमारा जो सोसाइटी है वो सेकुलर सोसाइटी है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, बट काइंड ऑफ जब हमें अपनी हिस्ट्री को समझना है, जब मुझे ये पता करना है कि आफ्टर ऑल कौन कौन से डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मेरे यहाँ पर रहा करते थे, तो उसमें तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि हमारी सोसाइटी हमेशा ही हमेशा से ही सेकुलर ही रही है, राइट right? ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, और अदर ये एक रॉन्ग परसेप्शन होगा इंडिया का, बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर दिस थिंग कि इंडिया इज द ओनली कंट्री, ध्यान रखिएगा इंडिया इज द ओनली कंट्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड जिसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन, ऑलमोस्ट एवरी रेस के लोग, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग, हर एक पर्सन यहाँ पे रहते हैं, ये तो भारत की खूबसूरती है। आफ्टर ऑल इस चीज को हम अपने हिस्ट्री से नकारे क्यों, आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर चीज को हम रिजेक्ट क्यों करें, राइट right? सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो सेकुलरिज्म के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया गया है धर्मशास्त्र के द्वारा कि हम इस चीज को भी अपने हिस्ट्री को समझने के लिए वो नहीं कर सकते, हम अपने हिस्ट्री को पॉइंट आउट करने के लिए हम डायरेक्टली एज अ सोर्स यूज नहीं कर सकते, राइट right? अब देखो फोर्थ चीज, बहुत सारे ऐसे एंशियंट इंडियन इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि नालंदा हो गया, तक्षशिला, ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जिन सबको काइंड ऑफ धर्मशास्त्र के अंदर वो किया गया, इग्नोर किया गया है, इनके बारे में नहीं लिखा गया। तो वंस अगेन अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के लिए आफ्टरऑल हम ये इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है इसको हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज नालंदा, तक्षशिला और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है इन्होंने तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टीचर्स को अपलिफ्ट करने में, टीचर्स को बनाने में, और टीचर्स के थ्रू जो एजुकेशन की जो बातें हैं वो सब बच्चों तक पहुंचाने में, डिसाइपल तक पहुंचाने में, राइट right? तो टीचर्स का तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो आई होप आप समझ पा रहे हो। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो धर्मशास्त्र है वो एक ऐसे टाइम में लिखे गए थे, 1930s का टाइम एक ऐसा टाइम था जिस टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडिया की ग्लोरी को समझाया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि भारत जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, ताकि वहां पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को मेंटेन कर सके, लोगों को ये बताया जा सके कि हमारे यहाँ पर हिंदुज्म जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक सिंगल प्रिंसिपल के साथ लोगों के साथ फॉलो कर सके, राइट right? तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो जिस टाइम में धर्मशास्त्र लिखे गए थे उसके अकॉर्डिंग धर्मशास्त्र वॉज अ मास्टर स्ट्रोक, बहुत ही अच्छी किताब है। बट अगर हमें हिस्ट्री को समझना है, हमें अपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के हिस्टोरिकल परसेप्शन को समझना है, तो उस पर्टिकुलर थॉट में हमें धर्मशास्त्र को एज अ सोर्स यूज करना उतना सही नहीं होगा, बिकॉज हमारे सोसाइटी की बहुत ही एक बहुत ही आइडियल पिक्चर जो है वो धर्मशास्त्र शो करता है, राइट right? एक बहुत ही आइडियल सोसाइटी को शो करने की कोशिश करता है, बट द पॉइंट इज इतनी आइडियल सोसाइटी किसी की भी नहीं हो सकती है, राधा और इतने लॉन्ग टाइम तक। देखो इंडिया का जो कल्चर रहा है वो बहुत ही लॉन्ग रहा है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैन, जब से मैन स्टार्ट हुए थे, होमोसेपियंस, राइट, नियंडरथल्स, जब मैन स्टार्ट हुए थे, राइट फ्रॉम उस पर्टिकुलर टाइम से हमारी सोसाइटी जो है धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। तो हम इतने बड़ी सोसाइटी को सिर्फ एक वर्ड के अंदर समराइज नहीं कर सकते कि हमारा
हमारी सोसाइटी सेकुलर रही है। हम सिर्फ एक वर्ड के अंदर नहीं बोल सकते कि हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी कि हम अपनी डाइवर्सिटी को नकार रहे हैं, हम अपनी डाइवर्सिटी को साइड कर रहे हैं, राइट। सो इतनी ज़्यादा आइडियलिस्टिक जो पिक्चर है वो भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है, राइट। तो देखो, ये तो हमने ये समझ लिया कि आफ्टर ऑल जो धर्मशास्त्र है उसको एज अ सोर्स क्यों हमें यूज नहीं करना चाहिए, राइट। धर्मशास्त्र एज अ सोर्स उतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बट आप ये समझ सकते हैं कि धर्मशास्त्र एज अ बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन धर्मशास्त्र एज अ बुक जो है उनकी अपनी भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो धर्मशास्त्र के अंदर उतनी अच्छी नहीं लिखी गई। तो देखो, ये मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव परसेप्शन दे रहा हूँ, ये मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर या फिर किसी टेस्ट के अंदर, जहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि यू नो प्लीज मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ धर्मशास्त्र एज अ बुक, मतलब एज अ टेक्स्ट क्या क्या लिमिटेशन है, तो आप वहां पर तीन चार पॉइंट्स अपने लिए रेडी कर सकते हैं। पहली चीज तो धर्मशास्त्र बहुत ज्यादा फोकस करता था ड्यूटीज के ऊपर रादर देन राइट्स के ऊपर, मतलब लोगों को राइट्स ना भी मिले तो चलेगा, लेकिन उनको अपनी ड्यूटीज पूरी तरीके से फुलफिल करनी है। जैसे मनुस्मृति का जो कंसेप्ट है, मनुस्मृति सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज के बारे में ही बात करते हैं, राइट। वो बोलते हैं कि अगर लोग अपनी ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं तो उनको राइट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नो, दैट इज करेक्ट, वो ठीक, वो बात ठीक है, बट राइट्स के ऊपर फोकस करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। सोचिए क्या होगा अगर आज के प्रेजेंट डे सोसाइटी के अंदर हम फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट तो रखें बट फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट ना रखें। तो सोचो, फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट हमारे इंडिया में ऑलरेडी है, उसके बावजूद इतना ज्यादा हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वल्नरेबल सेक्शन के साथ इतना बुरा बर्ताव होता है, पुअर सेक्शन को प्रॉपरली इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो तब कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। अब इस चीज को रिलेट करके देखो आप अपने एंशियंट हमारे एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात होती थी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं होती थी। तो सोचिए उस पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके का प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर होती थी, राइट। अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई राइट्स का वायलेशन हो भी तो भी वो कुछ कर नहीं सकता था, राइट। ही वुड हैव टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स, स्पेशली जो किंग्स वगैरह थे, रूलर्स वगैरह थे, उनको ये पावर्स थी, उनके पास ये पावर्स थी कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं, राइट, किसी को कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, नो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम, राइट। तो ये राइट्स के ना होने के कारण भी काइंड ऑफ एक धर्मशास्त्र को आप यहां पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इनके ड्रॉबैक के बारे में बोल सकते हैं। यू कैन से कि ड्यूटीज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया था, यानी कि ओवर एम्फसाइज किया गया था ड्यूटीज के ऊपर। सेकंड चीज आप बोल सकते हो कि पैट्रियार्की जो था वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, मतलब धर्मशास्त्र यही तो बोलते हैं कि वुमेन्स का सब्जुगेशन जो है वो मेन करते हैं, तो वुमेन्स जो है हमेशा नीचे रही है मेन के मतलब कंपैरिजन में, मेन के पर्सपेक्टिव में। वंस अगेन, अगर आप उसको अभी के टाइम से डील करना चाहें, उसको कंपेयर करना चाहिए, तो सोचिए मेन और वुमेन के इक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि एज अ धर्मशास्त्र, एज अ रिलीजियस टेक्स्ट ये चीज प्रपोज करे कि मेन को हमेशा ऊपर रहना चाहिए, वुमेन को नीचे रहना चाहिए, राइट। ये चीज तो बिल्कुल सही नहीं होगी, राइट। सोसाइटी के अंदर हर एक जेंडर, रेस, कास्ट, क्लास, इन सब चीजों का डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसे हटाना ही तो हमारे प्रेजेंट सोसाइटी का मेन एम है, मेन मकसद है। तो आफ्टर ऑल किस तरीके से आफ्टर ऑल हम धर्मशास्त्र का इस चीज को माने कि पैट्रियार्की को यहां पर फिर से अपलिफ्ट करना है। थर्ड चीज, धर्मशास्त्र जो है वो कास्ट सिस्टम के बारे में बोलता है। कास्ट सिस्टम जो हमने पीछे डिस्कस किया कि वो बोलता है कि जो अपर टू कास्ट है वो काइंड ऑफ डोमिनेट करता है लोअर टू कास्ट के ऊपर। तो जो प्रेजेंट डे सोसाइटी है जहां पर हम वंस अगेन कास्ट सिस्टम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एलिनिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हम कास्ट सिस्टम को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ये भी काइंड ऑफ एक धर्मशास्त्र का ड्रॉबैक है, राइट। और फाइनली, जैसा हमने पीछे बात की थी कि धर्मशास्त्र एक बहुत ही आइडियल, एक आइडियल बुक है, एक बहुत ही आइडियल सोसाइटी को बनाने की बात कर रहा है, और इतना आइडियल सोसाइटी जो है वो प्रेजेंट डे कल्चर में या फिर कभी कभी भी वो बन नहीं सकता, राइट। इट वुड बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक अगर हम एक ऐसा आइडियल सोसाइटी को बनाने की कोशिश करें, बिकॉज ये आइडियल सोसाइटी एक्चुअली रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, राइट। सो देखो, इस तरीके से आपने धर्मशास्त्र को एज अ सोर्स क्या क्या ड्रॉबैक्स है हमने वो भी डिस्कस कर लिया, और धर्मशास्त्र का एज अ टेक्स्ट या फिर एज अ बुक क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, इसको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं ताकि आप चाहे तो फ्यूचर में अगर कुछ भी ऐसा आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। फाइनली देखो, जब आप अपने आंसर को एंड करोगे, कंक्लूड करोगे, तो उसके अंदर भी आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स को डाल सकते हो। आप बता सकते हो कि आफ्टर ऑल किस तरीके से धर्मशास्त्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर की तरह काम करते हैं, इंपॉर्टेंट पिलर की तरह इस तरीके से काम करते हैं कि धर्मशास्त्र में मोरालिटी के बारे में, राइचियसनेस के बारे में, राइट्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, राइट, आइडियल सोसाइटी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो ऑल्दो हमें आइडियलिस्टिक सोसाइटी तक पहुंचना नहीं, बट एटलीस्ट उस आइडियल को हम फॉलो तो कर सकते हैं, उस मोरालिटी को, राइट्स को, राइचियसनेस को, इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर सकते हैं। भारतीय इंडियन हिस्ट्री को, जो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, इंडियन सोशल हिस्ट्री है, ऑल्दो हमें उसे एज अ सोर्स ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए, बट एटलीस्ट हमें इसके बारे में पता तो चल रहा है कि आफ्टर ऑल किस चीज से, किस तरीके के कोर्स ऑफ एक्शन हमारे यहाँ पर लिए जाते थे, आफ्टर ऑल किस तरीके की सोसाइटी हमारे यहाँ पर थी पहले के टाइम में, किस तरीके के
सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी हो सकती है, किस तरीके की सोसाइटी हमें प्रेजेंट कंडीशंस में बनाना चाहिए, राइट? तो ये सब चीजें शो करता है कि आफ्टर ऑल धर्मशास्त्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अगर हम एज अ टेक्स्ट की बात करें, बट जैसा हमने डिस्कस किया एज अ सोर्स वो इतने ज्यादा यू नो इन्फॉर्मेटिव नहीं होंगे, इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे, बिकॉज उसको एक ऐसे टाइम में लिखा गया है जब काइंड ऑफ वो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और वेस्टर्न इंपीरियलिस्टिक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके अगेंस्ट में लिखे जा रहे थे, ठीक है? सो आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ आ गए, जिसके अंदर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बुद्धिज्म जो हमारे अर्थशास्त्र है धर्मशास्त्र है इनके ऊपर हमने दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज समवट बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।